भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य के लिए यहाँ सभी लोग काफ़ी चिंतित हैं। आप देख सकते हो ये बुलंदशहर का एक विद्यालय है जहाँ पर सैकड़ों जो बालिकाएं हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पे ये सभी पूजा कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। सभी का एक ही मकसद है कि हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत ठीक हो जाए। और ये लोग यहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग मौजूद हैं और जो विद्यालय का जो पूरा प्रशासन, जो विद्यालय के जितने भी लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। और आप देख सकते हो कि सभी का एक ही मकसद है कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की जो तबीयत नासाज है वो ठीक हो जाए और उनकी दीर्घायु के लोग कामना कर रहे हैं। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, बुलंदशहर। सारे छात्र हैं, सभी छात्राएं यहाँ पे हैं, किस क्या आयोजन है आज काका डिग्री कॉलेज में? जो एक यहाँ पर सब लोग छात्र इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वास्थ्य काफ़ी लंबे समय से खराब चल रहा है और जो आज लगभग 3-4 दिनों से वो क्रिटिकल पोजीशन में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि उनकी उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी स्वस्थ हो और वो कम से कम और ज़्यादा दिन तक जी सकें। अटल बिहारी वाजपेयी जी केवल एक प्रधानमंत्री नहीं थे, उसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्र का निर्माण के लिए बहुत अपना योगदान दिया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को केवल प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं जाना जा सकता, उनका योगदान एक साफ छवि के लिए, एक साफ राजनीति के लिए जाना जाता है कि उन्होंने केवल देश के लिए ही नहीं राष्ट्र के लिए बढ़कर काम किया। उन्होंने अपने देश का नाम विदेशों में ही पहचान कराई, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा योगदान जिसको कहा जाता है परमाणु परीक्षण।